हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आ जाइए सभी लोग तेजी में लाइव आ जाइए। आज के इस लाइव क्लास में मैं आपको कोलाइड बनाने का विधि बताने जा रहा हूं। वैसे कोलाइड तो आपको पता होगा ना कि दो तरह के थे, कौन कौन सा, एक द्रव्यरागी कोलाइड और एक कौन सा द्रव्यरागी कोलाइड, द्रव्यरागी कोलाइड और दूसरा कौन सा है द्रव्यरागी कोलाइड, ठीक है ना। तो देखो कोलाइड आपका दो तरह का होता था, एक द्रव्यरागी कोलाइड, द्रव्यरागी कोलाइड, इसी का एक और नाम था द्रव स्नेही कोलाइड और इसे बोलते हैं द्रव विरोधी कोलाइड, है ना। इंग्लिश में बोलते हैं लायोफिलिक कोलाइड और इसे बोलते हैं लायोफोबिक कोलाइड, है ना। तो देखो बच्चों, ये लायोफिलिक और लायोफोबिक ये दो तरह का जो कोलाइड आप पढ़े थे, है ना, उन दोनों तरह के कोलाइड को बनाने की विधि हम जानेंगे। यानी पहले तो हमें कोलाइड बनाने की विधि जानना है, है ना, प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड जानना है, है ना, यानी प्रिपरेशन मेथड ऑफ कोलाइड्स, है ना, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स, यानी कि कोलाइड बनाने की विधि हम सीखेंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, कोलाइड को बनाने का जो तरीका होगा वो दोनों तरह का कोलाइड बनाने का तरीका जानेंगे, दोनों तरह का कोलाइड बनाने का विधि जानेंगे, एक द्रव्यरागी वाला भी और द्रव्यरागी वाला भी, यानी द्रव स्नेही भी और द्रव विरोधी भी, यानी इंग्लिश में लायोफिलिक भी और लायोफोबिक भी, है ना। तो एक एक करके दोनों पे आएंगे, है ना। सबसे पहला द्रव्यरागी कोलाइड, आपको जैसा पता होगा कि द्रव्यरागी कोलाइड में, है ना, उसके परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम में इन दोनों के बीच में आकर्षण होता है, है ना, यानी उसके डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम में आकर्षण होते हैं और इसी वजह से उसी आकर्षण के कारण उन दोनों का आपस में मिलना आसान हो जाता है, वे आसानी पूर्वक आपस में मिल जाते हैं और इसलिए ऐसे कोलाइड को बनाना आसान होता है। लेकिन द्रव्यरागी कोलाइड में परिक्षिप्त परावस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच आकर्षण नहीं बल्कि उल्टे विकर्षण होता है, इसलिए ऐसे कोलाइड को बनाना आसान नहीं होता है। ये चीज आपको मैंने पढ़ाया था इसके पहले ही, जब मैं आपको इन दोनों के बीच का मैंने जब आपको अंतर बताया था ना, उस टाइम ही मैंने आपको ये बता दिया था कि द्रव्यरागी कोलाइड को सरल विधियों के द्वारा आसानी पूर्वक बनाया जा सकता है, लेकिन द्रव्यरागी कोलाइड को सरल विधि के द्वारा आसानी पूर्वक नहीं बनाया जा सकता। याद आ रहा ना, ये चीज पढ़ा चुके हैं पहले ही, है ना। हाँ, तो यानी इसी से अब आप ये समझ लो कि द्रव्यरागी कोलाइड जो आसानी से बन जाते हैं, कैसे आसानी से बनते हैं, कुछ नहीं करना होता है, बस परिक्षिप्त प्रावस्था को परिक्षेपण माध्यम में डाल दो, अच्छे से उसे चला दो, मिला दो, हिलकोड़ दो और वो आपका आपस में आराम से मिल भी जाएगा और आपका वह द्रव्यरागी कोलाइड आराम से बन भी जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि वहां द्रव्यरागी कोलाइड को बनाना आसान था, कुछ ज्यादा स्पेशल काम नहीं करना था, बस परिक्षिप्त प्रावस्था वाले कणों को परिक्षेपण माध्यम में डालकर उसे अच्छे तरीके से हिलकोड़ दिया जाता है, यानी अच्छे तरीके से वेल शेकिंग के द्वारा अच्छे से शेकिंग कर लेते हैं, हिलकोड़ लेते हैं, मिला लेते हैं और तब जाके वो द्रव्यरागी कोलाइड बन जाता है। तो इन्हें द्रव्यरागी कोलाइड को बनाना यहाँ पे काफी आसान लग रहा है ना, यानी इसको बहुत ही आसानी से सरल विधि के द्वारा बना सकते हैं। सरल विधि क्यों बोल रहे हैं, आसान विधि क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ खास काम तो कर ही नहीं रहे, सीधे केवल हिलकोड़ना है। अरे जैसे चीनी को पानी में डाल के हिलकोड़ देते हैं ना, मिला देते हैं तो शरबत बन जाता है, है ना। ठीक उसी तरह से परिक्षिप्त प्रावस्था को परिक्षेपण माध्यम में डालकर अच्छे से हिला देते हैं, मिला देते हैं तो वो द्रव्यरागी कोलाइड बन जाता है। तो यानी द्रव्यरागी कोलाइड को बनाने का जो विधि है वो सबसे आसान विधि है, हिलकोड़ना, चलाना, मिलाना, परिक्षिप्त प्रावस्था को परिक्षेपण माध्यम में डालकर केवल अच्छे से शेकिंग कर देना है, अच्छे से हिलकोड़ देना है, मिला देना है और वो द्रव्यरागी कोलाइड बन जाना है ना। यानी द्रव्यरागी कोलाइड को बनाने में यहाँ पे कोई विशेष काम नहीं करना पड़ा, है ना, वो आसानी से बाबू बन गया, इसमें कोई विशेष विधि नहीं आया। लेकिन अब आएगा दूसरा, कौन सा, द्रव्यरागी कोलाइड, है ना। द्रव्यरागी कोलाइड बनाने का विधि आप अच्छे से जानो, क्योंकि इस कोलाइड को इतना आसानी से नहीं बना सकते हैं जितना आसानी से द्रव्यरागी बन गया। द्रव्यरागी में तो आराम से केवल परिक्षिप्त परावस्था को परिक्षेपण माध्यम में डालकर हिला दिए, है ना, हिलकोड़ दिए, मिला दिए, जैसे विलेय को विलायक में डालकर अच्छे तरीके से मिला देते हैं, चीनी को पानी में डालकर अच्छे तरीके से हिलकोड़ देते हैं, मिला देते हैं तो विलयन बन जाता है, वैसे द्रव्यरागी कोलाइड भी बन जाता है, है ना। लेकिन द्रव्यरागी कोलाइड आसानी से नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें परिक्षिप्त परावस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच विकर्षण होता है और इसी विकर्षण के प्रभाव से ये आसानी से इतना अच्छे तरीके से मिलने वाले नहीं है। आप सोचो कि इसको भी वैसे हिलकोड़ के मिला देंगे, मिल जाएगा और कोलाइड बन जाएगा, तो इतना आसानी से द्रव्यरागी कोलाइड नहीं बनेगा। हाँ, द्रव्यरागी भले बन जाएगा क्योंकि उसमें आकर्षण होता है, ठीक है, लेकिन द्रव्यरागी कोलाइड इतना आसानी से बनने वाला नहीं है, ठीक है। तो आखिर वो कैसे बनेगा, तो उसके लिए कुछ खास खास विधि का उपयोग होगा। जैसे पहला विधि यहाँ पर आपके सामने है, रासायनिक विधि, ठीक है। तो इसका आपको कुछ याद आना चाहिए क्योंकि ये मैंने कल भी पढ़ाया है ना। देखो, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग मनीष, गुड मॉर्निंग जॉनी, जिनको जाना है जा सकते हैं। निरंजन कुमार, आप चैनल अनसब्सक्राइब कर सकते हो और यहां से हट सकते हो। बहुत फास्ट के लिए आप दूसरे चैनल में जुड़ जाओ। जी गुड मॉर्निंग राकेश कुमार भी, आपको भी गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। तब से अभी तक आप लोग का गुड मॉर्निंग ही चल रहा है। ये सब ड्रामेबाज लोग हैं जो कहते हैं कि 7:10 तक इंतजार करता हूँ। कई बार तो मैंने 7 बजे भी क्लास स्टार्ट किया है, 7:10 में भी चालू हुआ है, लेकिन कहाँ इतने सारे लोग दिखते हैं। आज भी तो 20-25 की संख्या में थे, धीरे धीरे बढ़े हैं। तो कोई मेरे लिए इंतजार नहीं कर सकता और मैं किसी के लिए इंतजार करूं? सपने मेरे हैं, मैं किसी के लिए इंतजार नहीं करने वाला। चलिए वेरी गुड। कल बच्चे काफी कम थे ना, इसलिए मैं थोड़ा सा आज वाला रिपीट कर ले रहा हूं, मतलब कल वाला। कौन से चैनल में ये तो मैं नहीं बताऊंगा, ये तुम जानो, तुम्हें जहां पसंद है तुम अपना जाओ वहां पे। निरंजन अपना खिलौना समझ कर बैठ गए हो कि जैसे खेलना है वैसे चलाएंगे, वैसे चलेंगे तो नहीं होना है, ठीक है? मुझे जो जैसा समझ आता मैं वैसा ही करूंगा। हाँ फिलहाल आ जाओ यहाँ पे। तो देखो अब यहाँ पे आपको द्रव रागी कोलाइड बनाने का विधि तो समझ आ गया, अब दूसरा कौन सा है? द्रव विरागी कोलाइड, है ना? तो द्रव विरागी कोलाइड बनाने का विधि जो है उसमें से पहला विधि आपका कौन सा रहा है? रासायनिक विधि। रासायनिक विधि मतलब क्या, इसे बोलते हैं केमिकल मेथड इंग्लिश में, है ना? तो केमिकल मेथड यानी कि रासायनिक विधि, इसमें होना क्या है जी, नाम से ही पता चल रहा है रासायनिक विधि है, इसका मतलब इसमें कुछ खास रासायनिक अभिक्रिया का उपयोग होगा, यानी कुछ खास रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा, कुछ खास रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा हम कोलाइड का निर्माण करेंगे, है ना? तो आइए जैसे देखिए यहाँ पर आपको चार तरह के एग्जांपल दिया गया, चारों में चार तरह का रिएक्शन हो रहा है, है ना? किसी में ऑक्सीकरण वाला अभिक्रिया हुआ, किसी में अवकरण अभिक्रिया हुआ, किसी में द्विविस्थापन अभिक्रिया हुआ और किसी में जल अपघटन अभिक्रिया हुआ, है ना? तो इस तरह से इन चारों एग्जाम्पल में चार तरह का रिएक्शन हुआ है और इस चार केमिकल रिएक्शन के द्वारा, केमिकल रिएक्शन के द्वारा चूंकि कोलाइड बना है इसलिए इसको केमिकल मेथड बोल रहे हैं, है ना? और ध्यान देना बच्चों, ये सारा कोलाइड में देखो यहाँ पर क्या बना है, यहाँ पर सल्फर सॉल्ट बना है, सल्फर का कोलाइड बिलियन। यहाँ क्या बना? गोल्ड सॉल यानी गोल्ड का, सोने का कोलाइड बिलियन। यहाँ क्या बना? अर्सेनियस सल्फाइड, ये अर्सेनियस सल्फाइड का येलो कलर का सोल्यूशन बना है, पीले रंग का बिलियन बना है। यहाँ पर क्या बना है जी? फेरिक हाइड्रोक्साइड का लाल रंग का रेड सॉल, है ना? यानी कि यहाँ पे लाल रंग का फेरिक हाइड्रोक्साइड का लाल रंग का कोलाइडी विलयन बना है, यहाँ अर्सेनियस सल्फाइड का पीले रंग का विलयन बना है, कोलाइडी विलयन, ठीक है? तो ध्यान दीजिए ये सारा कोलाइड जो बना है वो कुछ खास खास अभिक्रिया के द्वारा बना है, है ना? यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड आपस में अभिक्रिया करके सल्फर वाला कोलाइडी विलयन तैयार किए हैं। यहाँ पर ऑरिक क्लोराइड जो है स्टेनस क्लोराइड से अभिक्रिया कर रहे हैं तो यहाँ पे गोल्ड का कोलाइडी विलयन तैयार हो रहा है, है ना? यहाँ पर अर्सेनियस ऑक्साइड हाइड्रोजन सल्फाइड से अभिक्रिया कर रहा है तो यहाँ पे अर्सेनियस सल्फाइड बन रहा है। ध्यान देना सभी में कुछ खास खास प्रकार की अभिक्रिया, इसमें ऑक्सीकरण हुआ है, है ना? और ऑक्सीकरण हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गौर से आप देखिए, आपने पढ़ा होगा ऑक्सीजन का जुटना या हाइड्रोजन का हटना दोनों एक ही घटना है। जरा गौर से देखना, सल्फर में से यहाँ पर पहले से हाइड्रोजन है लेकिन यहाँ पर अब हाइड्रोजन नहीं है तो हाइड्रोजन का हटना हुआ। सल्फर से यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हुआ? हटना। तो हाइड्रोजन का हटना या ऑक्सीजन का जुटना दोनों एक ही घटना, इस घटना का नाम क्या है? ऑक्सीकरण। तो वो तो क्या भाई? ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्यों बोल रहे ऑक्सीडेशन? क्योंकि हाइड्रोजन का हटना हुआ, हाइड्रोजन का वियोग हुआ। हाइड्रोजन का क्या हुआ? वियोग हुआ। तो हाइड्रोजन का वियोग या ऑक्सीजन का योग ऑक्सीकरण कहलाता है, है ना? हाइड्रोजन का हटना या ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण हुआ है, ये बात पता चला है, है ना? इसी तरीके से यहाँ पर अवकरण हुआ है। यहाँ अवकरण कैसे हुआ? कल की क्लास में मैंने बताया था यहाँ ये +3 स्टेट में है, +3 से 0 में बदल गया, इसका मतलब यहाँ पर इसने 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया होगा तब जाके 3 माइनस आया होगा, वो 3 माइनस 3 प्लस कट के 0 में बदल गया होगा। इसका मतलब की यहाँ पर यह +3 से 0 में बना होगा कब? जब -3 आया होगा तब। और -3 आया होगा कब? जब 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया होगा तब। और 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया
तो इलेक्ट्रॉन के ग्रहण की घटना को अपग्रहण कहते हैं। तो निश्चित तौर पे यहाँ पर क्या हो गया, अपग्रहण। समझ में बात आ रही होगी। तो इससे ये प्रूव हुआ कि यहाँ पर अपग्रहण हुआ था, ठीक है। यहाँ रिडक्शन हुआ, कैसे कह रहे हैं रिडक्शन हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्या दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण दिख रहा है। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण दिखा, इलेक्ट्रॉन का क्या दिख रहा है, ग्रहण। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया होगा जिसके कारण की माइनस आ गया होगा, तो प्लस माइनस कट के जीरो में बदल गया होगा, है ना। अब यहाँ पे जीरो कैसे आ गया, कल का वीडियो देख लेना। प्लस थ्री यहाँ कैसे आ गया, कल का वीडियो देख लेना, कल पूरा मैंने समझा भी दिया था। हाँ, तो देखो ये आपका रिडक्शन हुआ, इसलिए मैंने बोला यहाँ पर अवकरण अभिक्रिया के द्वारा कोलाइडी विलयन प्राप्त हुआ। यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, द्विविस्थापन अभिक्रिया हुआ। द्विविस्थापन मतलब क्या, दोनों एक दूसरे को विस्थापित किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों एक दूसरे को कैसे विस्थापित किया पता चल रहा होगा। ऑक्सीजन देखो बच्चों, सल्फर को विस्थापित किया, देख रहे हो सल्फर हट गया, उसके जगह ऑक्सीजन आगे जुट गया, है ना। और अच्छा यहाँ देखो ऑक्सीजन हट गया, सल्फर जुट गया, देख रहे हो, है ना। सल्फर की जगह पे भी ऑक्सीजन चला गया, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जहां आपका ऑक्सीजन था वहां सल्फर आ गया, जहां सल्फर था वहां ऑक्सीजन आ गया, है ना। तो सल्फर के जगह पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के जगह पे सल्फर, ओके ना। यानी दोनों एक दूसरे के जगह पे पहुंच गया, यानी दोनों एक दूसरे को विस्थापित किया। द्विविस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल यानी दोनों, दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस किया, सल्फर ने ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन ने सल्फर को, है ना। क्योंकि सल्फर आया ऑक्सीजन के स्थान पे और ऑक्सीजन गया सल्फर के स्थान पे, क्लियर बातें हैं। चलिए तो ये भी समाप्त हो गया। लास्ट में आपका क्या है, फेरिक क्लोराइड का जल अपघटन हुआ, जल के द्वारा देखो इसका अपघटन हुआ। अपघटन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले देखो आयरन और क्लोरीन साथ था, लेकिन अब देखो आयरन और क्लोरीन क्या हो गया, अलग हो गया, अलग हो गया ना, टूट के अलग हुआ, इसका अपघटन हुआ, जल के द्वारा अपघटन हुआ, इसलिए नाम जल अपघटन हुआ, है ना। तो जल अपघटन अभिक्रिया के द्वारा फेरिक हाइड्रोक्साइड का लाल रंग का कोलाइडी विलयन प्राप्त हुआ। ये सारे विधि समाप्त हो जाते हैं। अब ये था आपका क्या बच्चों, कोलाइड बनाने का विधि था, है ना। ध्यान रखिएगा ये सवाल यहाँ से आपका पूछा भी गया, इंपॉर्टेंट सवाल भी है कि कोलाइड बनाने की कोई भी दो विधि का उल्लेख करें, है ना। यानी कोई भी कोलाइड बनाने का कोई भी दो विधि आपसे पूछा जाता है, है ना। तो यहाँ पर आपको अभी एक विधि अच्छे से बता दिया गया, कौन सा विधि बच्चों, रासायनिक विधि। रासायनिक विधि में चार तरह का एग्जाम्पल है, आपको जो एग्जाम्पल याद रह जाए कोई एक एग्जाम्पल याद रख लेना, जरूरी नहीं कि चारों याद रखें, है ना। इस सवाल के लिए, कौन सा सवाल के लिए, कि कोलाइड बनाने की विधि का वर्णन करें, कोलाइड बनाने का कोई भी दो विधि का वर्णन करें। तो इसमें से आप पहला विधि ये वाला लिख सकते हैं, कौन सा विधि, रासायनिक विधि, है ना। तो रासायनिक विधि में क्या होता है, तो कुछ खास रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा कोलाइड का निर्माण होता है। कौन सा खास अभिक्रिया, या तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया के द्वारा, या अपघटन अभिक्रिया के द्वारा, या द्विविस्थापन अभिक्रिया के द्वारा, या जल अपघटन अभिक्रिया के द्वारा। इन चारों में से कोई भी एक अभिक्रिया वाला आप एग्जाम्पल याद रख लेना ना, ठीक है। और आप रासायनिक विधि में कोई एक एग्जाम्पल को यूज करते हुए बता के आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। हाँ, अगर स्पेशली बोल दिया कि कोलाइड बनाने की रासायनिक विधि का वर्णन करें, ठीक है, केवल रासायनिक विधि के बारे में पूछ रहा है, तब भले आपको इसमें केवल कोई एक अभिक्रिया से काम नहीं चलेगा, कम से कम आपको वहां पर दो अभिक्रिया का वर्णन करना पड़ेगा, तब ना दो नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। कोलाइड बनाने की रासायनिक विधि का वर्णन करें, अगर रासायनिक विधि कह के पूछ दिया, है ना, कि रासायनिक विधि के बारे में बताओ कि कैसे रासायनिक विधि द्वारा कोलाइड बनता है, है ना, तो उससे केवल एक रिएक्शन, वैसे कंडीशन में आपको केवल एक रिएक्शन लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको रासायनिक विधि में कम से कम कोई दो रासायनिक अभिक्रिया का एग्जांपल देना होगा, या तो ऑक्सीकरण का, ऑक्सीकरण और अपकरण का दे देना, या ऑक्सीकरण और द्विविस्थापन का दे देना, या द्विविस्थापन और जल अपघटन का देना, कोई भी दो आप चुन लेना, बात समझ गया ना। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन में ये आ जाए, वैसे आता नहीं लॉन्ग क्वेश्चन में ये सब सवाल, ठीक है, लेकिन फिर भी मान लिया जाए 2-4% की ही जो भी संभावना है, अगर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में अगर ये आ जाता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, तो ऐसी परिस्थिति में अगर आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 5 नंबर वाले में ये पूछ दिया कि कोलाइड बनाने की रासायनिक विधि का वर्णन करें, चारों का वर्णन करोगे, है ना, यानी इसमें चारों तरह की अभिक्रिया को लिखोगे, यानी चारों प्रकार की अभिक्रिया के बारे में बताओगे। लेकिन अगर आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में 2 नंबर में पूछता है, है ना, केवल रासायनिक विधि को, तो आपको 2 रिएक्शन लेना है। और अगर आपको स्पेशली यही वाला नहीं बोल रहा है कि फलान विधि के बारे में ही बताइए, है ना, नहीं, वो केवल पूछ रहा है कोलाइड बनाने की विधि के बारे में बताएं, है ना, कोलाइड बनाने का कोई भी दो विधि का उल्लेख करें, ऐसे अगर पूछ रहा है ना, तो उसमें से पहला विधि आप ले लेना रासायनिक विधि, है ना, और रासायनिक विधि में कोई एक ही एग्जांपल उठाना, है ना, उसके बाद हम दूसरा विधि बता रहे हैं, है ना। ये तो आपका पहला विधि समाप्त हुआ ना, कोलाइड बनाने का ये कौन सा विधि था, पहला विधि था, कौन सा विधि, रासायनिक विधि, ठीक है। तो आइए बच्चों, ये पहला आपका अच्छे से समाप्त हो गया होगा मुझे समझ से लगता है, अब इसमें कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि कल भी ये आपको मैंने बता दिया था, आज मैंने यहाँ तक मैं रिपीट किया केवल रिवीजन, है ना, वो इसलिए क्योंकि कल तो बहुत बहुत बच्चे जो है
है वो अब्सेंट थे, नागपंचमी मना रहे थे, ठीक है कोई बात नहीं। हालांकि आप लोग चाहते हैं तो वीडियो रिकॉर्ड जो हुआ था फिर वो अपलोड हुआ होगा, तो अपलोडेड वीडियो को भी आप देख लेते, लेकिन चलिए एक तरह से मैंने रिवीजन भी करवा दिया बाकी लोगों के लिए भी, और जो लोग नहीं पढ़े थे उनके लिए एक विशेष अवसर मिल गया, अब उनको कल का वीडियो ज्यादा देखने का आवश्यकता नहीं रहा, लगभग चीजें मैंने बता ही दिया, ठीक है। तो आ जाइए बच्चों, अब हम आते हैं किसमें, सेकेंड मेथड में, और वो है आपका कौन सा, ब्रेडिग आर्क विधि, दूसरा विधि पे हम लोग पहुंच रहे हैं, और उसका नाम क्या है बच्चों, ब्रेडिग आर्क विधि, रासायनिक विधि नहीं, रासायनिक विधि हो गया खत्म, अब कौन सा आ रहा है आपका, ब्रेडिग आर्क विधि, तो आ जाइए देखिए दूसरा है आपका कौन सा, ब्रेडिग आर्क विधि, ब्रेडिग आर्क विधि, देखो नाम को समझो अच्छे तरीके से, देखो बच्चों ये कोलाइड बनाने का वैसा विधि है, समझो बढ़िया से, ब्रेडिग आर्क विधि, आर्क मतलब होता है चिंगारी, आर्क मतलब समझ लीजिए क्या हुआ, चिंगारी है ना, देखते हैं ना जो स्पार्किंग वगैरह जो होता है, ठीक है। तो चिंगारी की मैं बात समझाना चाहता हूँ, ब्रेडिग आर्क विधि है ना, ये असल में है क्या, तो ये पहली बात तो ये कोलाइड बनाने का विधि है, कौन से तरह का कोलाइड बनाने का विधि है, तो कौन सा, द्रव रागी नहीं द्रव विरागी है ना, तो यानी ब्रेडिग आर्क विधि क्या है, तो ये कोलाइड बनाने का विधि है, कौन सा कोलाइड बनाने का विधि है, द्रव रागी कोलाइड बनाने का या द्रव विरागी कोलाइड बनाने का, तो जवाब क्या होगा, द्रव विरागी कोलाइड बनाने का विधि है, है ना। अब आखिर ये द्रव विरागी कोलाइड बनाने का ये कैसा विधि है, है ना, यानी इस विधि में क्या करते हैं, है ना, किस तरह से इस विधि के द्वारा हम कोई भी द्रव विरागी कोलाइड बना पाते हैं, है ना, ये आपको जानना है, ठीक है। तो देखिए द्रव विरागी कोलाइड बनाने का ये एक ऐसा विधि है जिसमें हम लोग कुछ खास प्रकार के धातु, है ना, जैसे आपका सोना हो गया, जैसे आपका चांदी हो गया, जैसे आपका प्लेटिनम हो गया, है ना, यानी कुछ खास प्रकार के विशेष प्रकार के सुचालक धातुओं का कोलाइड बनाते हैं, यानी इस विधि से हम लोग सोना का कोलाइड विलयन बना सकते हैं, इस विधि से हम लोग प्लैटिनम का बना सकते हैं, चांदी का बना सकते हैं, है ना। और ध्यान से सुनिएगा, हमें इस विधि में जिस धातु का कोलाइड विलयन बनाना होता है उस धातु का तार लेना पड़ता है, क्या मैंने बोला, जिस धातु का हमें कोलाइड विलयन बनाना होता है उस धातु का हमें तार लेना पड़ता है, यानी उसी का एक तरह से तार यूज होगा, है ना। तो जरा ध्यान दीजिए, अब इसमें कुछ पिक्चर आएंगे, आपको मैं पिक्चर बनाता हूँ तभी आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ भी आएगा, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पे आपका फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं, आप समझना। देखो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, एक बड़ा सा टब ले लिया गया, ठीक है, देख रहे हो ना, मतलब एक बड़ा सा पात्र लिया गया है, कोई भी बर्तन आप समझ लो अपने तरीके से, ठीक है। हाँ, अब देखो इसमें क्या करना होता है, अब इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, बर्फ भर देते हैं, या रुकिए एक और पात्र मैं इसके अंदर लूंगा, ठीक है, चलिए अब देखिए क्या करेंगे हम लोग। सबसे पहले अभी तक आपने क्या देखा, एक बड़ा सा पात्र है, उसके अंदर भी एक छोटा सा पात्र है, ठीक है। ये जो बाहर वाला जो बड़ा सा पात्र है ना, इसमें हम लोग बर्फ भर देंगे, क्या भरेंगे बच्चों, बर्फ भरेंगे, बर्फ के टुकड़ों को इसमें भर दिया जा रहा है, ठीक है। लो आप समझ लो इस तरीके से कुछ कि इसमें बर्फ भरा गया। आप इसको ईट मत समझ लेना, मैंने आपको पहले भी समझा दिया है, इसमें क्या भरने जा रहे हैं हम लोग, बर्फ भरने जा रहे हैं, ठीक है।
चलिए हो गया। ये मैंने क्या भरा है फिर से सुन लो, मैंने क्या बोला, एक बड़ा सा पात्र लिया गया था, इस बड़े से पात्र के अंदर में क्या भरा गया है, बर्फ भरा गया है, ठीक है, और बर्फ के ही ऊपर इस छोटे से पात्र को रखा गया है ना। यानी अब आप समझ गए होंगे कि इसको बाहर से बर्फ के आवरण में रखना था इस पात्र को, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, इसमें हम लोग भर लेते हैं जल, इस पात्र के अंदर अब हम लोग क्या भरने जा रहे हैं, जल भरने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, इस पात्र में हम लोग जल भरने जा रहे हैं, तो लीजिए इसमें अब जल भर देते हैं हम, इसको मैं ब्लू कलर में कर देता हूं, ठीक है, थोड़ा आपको भी अच्छा समझ में आएगा। इसमें क्या भरने जा रहे हैं जी, जल भरने जा रहे हैं, ध्यान दो, इसमें क्या क्या भरने जा रहे हैं, ध्यान से सुन लो, इसमें मैं भर रहा हूं जल और प्लस KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड थोड़ी सी मात्रा में, वो केवल किस लिए, इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, इसकी सुचालकता को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना बच्चों। तो चलो देखो ध्यान से, यहाँ पे इसमें हमने जल भर दिया और जल के साथ हमने थोड़ा सा KOH मिला दिया, तो आप ऐसा करो, आप इच्छा है तो आप इसी में बीच में यहाँ जगह निकाल कर लिख सकते हैं कि इसमें हमने क्या क्या भरा है जी, तो इसमें हमने जल भरा है और साथ में हमने KOH भरा है, जल प्लस KOH, वाटर प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बात समझ गए होंगे बाप। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, अब इसमें आपने जल भर लिया और आपने इसमें क्या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भर लिया, ठीक है ना। अब आगे ध्यान दो, यहाँ पे इसमें जल और KOH मैंने भर लिया है, यानी वाटर और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब क्या करेंगे, मैंने बोला था ना कि इस विधि के द्वारा हम लोग सोना का कोलाइडी विलयन बना सकते हैं, चांदी का बना सकते हैं, प्लेटिनम का बना सकते हैं। तो मान लो यहाँ पर हम चांदी का कोलाइडी विलयन तैयार करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे, मैंने बोला था ना थोड़ी देर पहले कि जिस धातु का कोलाइडी विलयन हमें तैयार करना है उस धातु का हमें यहाँ पर तार लेना है ना। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, दो तार ले लिया, किसका, चांदी का, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर चांदी का बना हुआ, चांदी धातु का ही बना हुआ दो तार हमने ले लिया और दोनों को हमने क्या किया बच्चों, इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर लिया, समझ गए होंगे बाप, है ना। एक पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और एक मान लो आपका क्या हुआ, नेगेटिव टर्मिनल हो गया। अब उसके बाद देखो क्या होगा, ध्यान से समझना, है ना, ये पॉजिटिव और निगेटिव, अरे भाई कोई बैटरी था, ठीक है, उसका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से और उसके निगेटिव इलेक्ट्रोड से तार को हमने कनेक्ट किया और ये जो तार है ये किस चीज का तार बना हुआ है, चांदी का तार है ये, है ना। यानी ये जो रॉड हमने लिया है ये किस चीज का लिया हमने, चांदी का, है ना। तो ये मेटालिक रॉड है, यानी ये चांदी धातु का ही बना हुआ तार हमने लिया है। अब देखो क्या होगा, जब पॉजिटिव और निगेटिव दोनों टर्मिनल से जोड़कर, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही टर्मिनल से अगर हम जोड़ करके चांदी का तार को इसमें अगर डुबा देंगे, तो जरा ध्यान से समझना, यहाँ पे इसमें पानी है ना और साथ में इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिला दिए ताकि ये पूरा अच्छा कंडक्टर बन जाए, एक गुड कंडक्टर की तरह काम करना शुरू कर दे, क्योंकि ये क्षार है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस है ना, और इसके बेसिक प्रॉपर्टी के कारण इसमें आयन का फॉर्मेशन होगा, के पे प्लस ओ एच पे माइनस, समझ रहे होंगे, है ना। तो इसमें आयनिक फॉर्मेशन होने के कारण इसकी कंडक्टिविटी और भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अब ये पूरा का पूरा एक अच्छा सुचालक तंत्र बन चुका है, समझ लो, है ना। और आपने इस वाटर में, इस बेसिक वाटर में, यानी आपने इस क्षारीय जल में आपने क्या किया, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टर्मिनल से जोड़ते हुए चांदी के तार को आपने इसमें डुबा दिया। जैसे ही आप इसमें डुबाओगे आपका इतना दिमाग जरूर कह रहा होगा वहां पर जोर से स्पार्किंग होगा, है ना, यानी वहां पर चिंगारी उत्पन्न होगी, क्यों, क्योंकि आपने प्लस और माइनस दोनों तार को एक साथ ला दिया, है ना, यानी काफी नजदीक, आप ये भी देख सकते हैं दूर भी नहीं है, लगभग काफी नजदीक में ही हमने इसे आपस में दोनों को एक साथ हमने डुबाया है ना। अब क्या हो रहा है कि जैसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल वाला तार एक जगह लगभग आपस में पास में आकर के जब इसको डुबाएंगे, वो भी क्या, इस तरह के कंडक्टिव मीडियम में जब डुबाएंगे तो वहां पर स्पार्किंग शुरू हो जाएगा, चिंगारी आनी शुरू हो जाएगी, और उसी चिंगारी के कारण अब क्या होगा, ये धातु का जो तार इसमें डुबा है ना वो वाष्पीकृत होने लगेगा, यानी वो भाप में बदलना शुरू करेगा, लेकिन वो जो भाप बनेगा ना, वो धातु का जो भाप बनेगा इसकी गर्मी से, उसकी चिंगारी से, यहाँ जो चिंगारी आया वो चिंगारी ने इस धातु को वाष्पीकृत कर दिया होगा, यानी ये धातु जो है धीरे धीरे वाष्पीकृत होने लगा, भाप बनकर उड़ने लगा, लेकिन ये भाप उड़ेगा नहीं, देखो क्या होगा, बाहर से बर्फ का आवरण है ना, तो बर्फ के आवरण में रखे गए इस पात्र को बर्फ के आवरण में रखे जाने के कारण, है ना, चिंगारी से वाष्पीकृत होने वाली जो धातु है, है ना, धातु का जो वाष्प बना था, वो जो वेपर बना था, वो भाप जो है ना, वो इस बर्फ के आवरण के कारण वो तेजी से ठंडा हो जाएगा और वो इसी में संघनित हो जाएगा,
है ना, यानी वो धीरे धीरे इसी में आकर के जमा हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। अगर इसको बर्फ के आवरण में हम नहीं रखते ना, तो धातु का जो भाप बनता वो धीरे धीरे उसका बहुत सारा भाप जो वो क्या होता है, निकल के उड़ जाता है ना, तो धातु की बर्बादी हो जाती। यानी चांदी धातु था या प्लैटिनम धातु था या सोना था, जो भी था है ना, उसका चिंगारी से, उसकी चिंगारी की उष्मा से, गर्मी से वो धातु वाष्पीकृत तो होगा, लेकिन वो भाप जो है ना, वो जो भाप बन रहा है वो भाप इससे निकल के उड़ेगा नहीं, क्योंकि इसको हमने बर्फ के आवरण में रखा है। इसीलिए बर्फ के आवरण में हमने रखा था कि वो भाप जब बने तो तुरंत ठंडा होकर इसी में मिल भी जाए, वो उड़ ना पाए, है ना। तो यानी वो उड़ ना जाए बल्कि इसी में वो मिल जाए, इसी पर्पस से हमने बाहर में बर्फ रखा था ताकि वो इसे तुरंत ठंडा भी कर दे, समझ रहा ना। तो समझिए इस बात को, यहाँ थोड़ी अच्छी तरीके से हम समझाना चाह रहे हैं। इसको तार को हम फिर से बनाएंगे, देखो थोड़ा अलग तरीके से ताकि आपको पता भी चले। देखो क्या कुछ इस तरीके से आ रहा है ये, अब देखिए ठीक से आ रहा है ये बंदा। चलिए अब देखिए समझिए, यहां मैंने क्या आपको बोला कि ये जो आपका धातु का तार जो इसमें डूबा हुआ है, समझो ये चांदी का तार था है ना, दोनों तरफ से चांदी के तार को हमने लाके इसमें डुबा दिया। अब क्या होगा, इसे डुबाने पर ये क्या होगा जी, यहाँ जब इसको हम डुबाएंगे तो यहाँ पर चिंगारी उत्पन्न होगी है ना, इलेक्ट्रिक शॉक्स आएंगे यानी स्पार्किंग होगा, तो यहाँ पर वो चिंगारी के कारण क्या होगा, ये धीरे धीरे जो धातु है वो वाष्पीकृत होना शुरू करेगा है ना। तो पहले यहाँ पर मैं थोड़ा सा चिंगारी को दिखा देता हूँ समझने के लिए, ठीक है। यहाँ पर चिंगारी आया, ठीक है। अब ये क्या हुआ, इस चिंगारी के वजह से ये जो गर्मी आया है, जो उष्मा आया, इस उष्मा ने इस धातु के तार को क्या किया, इस उष्मा ने, इस गर्मी ने इस धातु के तार को वाष्पीकृत कर दिया, उसे भाप में बदल दिया, और ये जो भाप बना वो भाप जो है इससे निकल के उड़ ना जाए, इसके लिए हमने इसको बाहर से बर्फ में रखा है ना, यानी बर्फ के आवरण में इसे रखा है, इसके सराउंडिंग में बर्फ इसलिए डाल दिया गया है ताकि ये बर्फ जो है ना तुरंत इसे ठंडा भी कर देगा है ना। तो ये जो धातु का वाष्प बना होगा ना, वो वाष्प इस बर्फ की वजह से तुरंत में तेजी में वो ठंडा भी हो जाएगा, और जब वो तेजी से ठंडा हो जाएगा तब जाकर के वो क्या होगा बच्चों, इसी में आकर के वो मिल जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ, यानी यहाँ पर ये जो जल था ना, ये जल और केवेज का जो मिश्रण है, इसी मिश्रण में धीरे धीरे वो जो धातु का वाष्प है ना, वो इसमें पूरा का पूरा क्या होगा, समावेशित हो जाएगा, मिल जाएगा, और तब जाकर के वो कोलाइडी कणों के साइज में आ जाएगा, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में है ना। तो यानी ये जो चांदी का जो पार्टिकल्स है ना, वो जो भी वाष्पीकृत हो गया था, वो जो भाप बन गया था, वो भाप उड़ेगा नहीं क्योंकि बर्फ से ठंडा हो गया है ना। तो बर्फ के वजह से ये तेजी से ठंडा भी हो गया, और ठंडा होने के कारण अब वो जो सिल्वर का जो आपका वेपर बना था, वो धीरे धीरे क्या होगा, इसी में ठंडा होने की वजह से इसी में मिल जाएगा। अगर बर्फ नहीं रखते बाबू तो भाप धीरे धीरे क्या होता, उड़ भी जाता ना, तो इसलिए बहुत सारा चांदी बर्बाद भी हो जाता ना। बर्बाद ना हो इसलिए बर्फ रखा गया, बर्बाद ना हो इसलिए बाहर में बर्फ रखा गया, समझ रहा है ना। यानी वो जो वाष्प है ना, वो धीरे धीरे वाष्प जो है धीरे धीरे बाहर ना निकल जाए, इसीलिए यहाँ पर बाहर में बर्फ रख दिया गया ताकि बर्फ से ठंडा हो जाए, और ठंडा होकर पूरा का पूरा इसी में मिला रह जाए है ना। और जब वो इसमें मिल जाएगा तो चांदी का कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाएगा। तो ये था बच्चों क्या, कोलाइड बनाने का विधि, और इस विधि का नाम क्या है बच्चों, ब्रेडिग आर्क विधि। इस विधि का नाम क्या है, ब्रेडिग आर्क विधि। आर्क नाम क्यों है समझ रहे होंगे, चिंगारी के कारण, क्योंकि आर्क मतलब यहाँ चिंगारी हुआ, इस चिंगारी के ही वजह से ना धातु धीरे धीरे वाष्प में बदला, और वही वाष्प जो है बर्फ से ठंडा होने की वजह से धीरे धीरे इस पूरे जल में, जल और केवज का जो मिश्रण है उसमें समावेशित हो गया, उसमें वो परिक्षेपित हो गया, यानी वो उसमें मिल गया है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर एक कोलाइडी विलयन आपको तैयार हुआ। हाँ, इसमें पूछना चाह रहे थे, पिछले वीडियो में भी कुछ बच्चे पूछ रहे थे, परिक्षिप्त प्रावस्था कौन है और परिक्षेपण माध्यम कौन है, है ना, यहाँ पर डिस्पर्स्ड फेज कौन है और डिस्पर्सन मीडियम कौन है। तो यहाँ पर ये जो चांदी है ना बच्चों, ये चांदी का जो तार है वो जो धीरे धीरे वाष्पीकृत होकर के इसमें मिला है, यहाँ पर चांदी, यही है आपका क्या, परिक्षिप्त परावस्था, डिस्पर्स्ड फेज यानी एक तरह से विलय है ना। और यहाँ पर परिक्षेपण माध्यम कौन है, तो परिक्षेपण माध्यम यहाँ पे जल है,
जल और KOH का ये जो मिश्रण है ना, यही बच्चों के परिक्षेपण माध्यम, डिस्पर्शन मीडियम, यानी एक तरह से विलायक, समझ रहे ना। क्योंकि इसी जल में आके ये चांदी का कण धीरे धीरे क्या हुआ, समावेशित हो गया, मिल गया, है ना। तो आप इसको चांदी का तार के रूप में भी समझ सकते हो, या आप इसको सोना का तार भी लेके समझ सकते हो, या प्लेटिनम का भी तार लेके समझ सकते हैं, है ना। तो यानी हम यहाँ पे इसको सिंपली लिख दे, क्या इसको हम लिख देते हैं धात्विक तार। ये क्या आपका, ये आपका क्या था, ये जो दोनों आप देख रहे हैं, ये दोनों क्या आपका धात्विक तार है, मेटालिक वायर, धात्विक तार, ठीक है। या फिर हम इसे लिख देते हैं, ठीक है, धात्विक तार ही रहने दो। और ब्रैकेट में वो धातु कौन कौन सा हो सकता है, तो यहां मैं लिख देता हूं गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, और क्या हो सकता है, प्लेटिनम हो सकता है, ठीक है ना। सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सब हो गया, प्लेटिनम, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है, ये सब एग्जांपल में आ जाएगा आपका। उसके बाद देखिए, ये तो दोनों साइड हो ही गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, समझ जाएंगे इस बात को देखकर। यहाँ पर क्या उत्पन्न हुआ था, विद्युतीय आर्क, विद्युतीय चिंगारी, समझ रहा ना। तो यहाँ पर विद्युतीय आर्क प्रोड्यूस हुआ, तो इस बात को भी अगर आप समझना चाहते हैं तो यहाँ भी मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पर क्या उत्पन्न हुआ है, तो विद्युतीय आर्क, विद्युतीय आर्क यानी कि विद्युतीय चिंगारी एक तरह से, ठीक है ना। अब आगे देखिए, हाँ, उसके बाद यहां तो मैंने लिखी दिया है कि इसमें क्या भरा गया था, तो जल और KOH का मिश्रण इसमें भरा हुआ था, ठीक है ना। ये क्या है, ये जो आप देख रहे हैं, ये था आपका बर्फ से भरा हुआ अफगा, यानी ये एक तरह से बर्फ हो गया, ठीक है। इसको इंग्लिश में लिखना चाहे तो आइस बाथ, ठीक है, ये आइस बाथ हो गया, यानी बर्फ अफगाह हो गया। चलिए उसके बाद और देखिए आगे क्या है, अब तो इसमें कुछ नहीं बचा ना। अब आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, टॉपिक पूरा समझ आ गया होगा, मैं फिर से समझा देता हूं, लास्टली एक बार फिर से सुन लो। ब्रेडीकार्क विधि क्या है बच्चों, तो ये कोलाइड बनाने का विधि है। कौन सा कोलाइड बनाने का विधि है, तो द्रव रागी नहीं, द्रव विरागी, द्रव विरागी कोलाइड बनाने का विधि है। द्रव विरागी कोलाइड बनाने की इस विधि में क्या करते हैं, क्या करते हैं जी, तो इसमें जिस धातु का कोलाइड हमें बनाना होता है, उस धातु को, उस धातु को क्या करते हैं, बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हुए, है ना, उसके तार को परिक्षेपण माध्यम में डुबाते हुए विद्युतीय आर्क उत्पन्न करते हैं, है ना, यानी चिंगारी उत्पन्न करते हैं, जिसके फलस्वरूप वह धातु वाष्पीकृत होने लगता है। लेकिन वह धातु का वाष्प बर्फ के आवरण में होने के कारण, बर्फ के आवरण में होने के कारण वह धातु का जो वाष्प है ना, वो तेजी से ठंडा होकर के उसी परिक्षेपण माध्यम में, यानी जल में, है ना, वो धीरे धीरे क्या होता है, संघनित हो जाता है, परिक्षेपित हो जाता है, मिल जाता है, और तब जाके उस धातु का कोलाइड विलयन प्राप्त हो जाता है, है ना। यानी जो वाष्प उठा होगा ना, ये जो भाप बना होगा ना धातु का, वो ठंडा होने की वजह से इसी में मिक्स हो गया, मिल गया, और तब जाके इस धातु का कोलाइड बन गया। कोलाइड बनाने की इसी विधि को ब्रेडिग आर्क विधि कहते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आप लोग जल्दी से इसका क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। अब तो जरा भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, समझ ही गए होंगे। धन्यवाद, याद हो गया आपको अभी ही, सभी लोगों को याद हो जाना चाहिए। अब तक में इतना अच्छे से मैंने इतना टाइम आपको देके समझा दिया, तो अब तो याद होना ही चाहिए। सही समझ रहे हैं, अधिक मात्रा में रहा तो परिक्षेपण माध्यम, कम मात्रा में तो एक तरह से परिक्षिप्त प्रावस्था। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और घर पे आप लोग भी अच्छे तरीके से इसका आप लोग फिगर बना लेना, ठीक है। चलिए हो गया, अब है अगला, लास्ट है आपका तीसरा बाबू, पेप्टिड
पेप्टाइजेशन यानी पेप्टीकरण। अब ये पेप्टीकरण विधि में क्या करते हैं ध्यान से समझिएगा, पेप्टाइजेशन हम बोल रहे हैं ठीक है। पेप्टाइजेशन मेथड में क्या करते हैं ध्यान से सुनिए, कोई भी ताजा बना हुआ अवक्षेप को परिक्षेपण माध्यम में डालकर उसे अच्छी तरीके से हिल को उड़ा जाता है ना, लेकिन इसके साथ में थोड़ा सा मात्रा में वैद्युत अवघट लिया जाता है। देखो ये कुछ उसी तरह का बात है जैसा हमने द्रव रागी कोलाइड बनाने में बताया था है ना, कि द्रव रागी कोलाइड में बनाने के लिए क्या करते हैं परिक्षिप्त परावस्था को परिक्षेपण माध्यम में डालकर मिला देते हैं, मिल जाता है। लेकिन ध्यान दीजिए द्रव विरागी कोलाइड भी हम ऐसे बना तो सकते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा वैद्युत अवघट भी लिया जाता है। याद रखिएगा यानी परिक्षिप्त परावस्था को थोड़ा सा वैद्युत अवघट के साथ मिलाकर थोड़ी सी मात्रा में वैद्युत अवघट की थोड़ी सी मात्रा को साथ ले लेते हैं, परिक्षिप्त परावस्था के साथ थोड़ा सा वैद्युत अवघट ले लेते हैं और उसके बाद उसे परिक्षेपण माध्यम में डालकर अच्छी तरीके से क्या किया जाता है हिलकोड़ा जाता है, मिलाया जाता है, तब जाकर के द्रव विरागी कोलाइड भी बन जाता है। ध्यान से सुनिए, जब द्रव रागी कोलाइड बनाना है तो कुछ नहीं सीधे परिक्षिप्त परावस्था को परिक्षेपण माध्यम में डालकर मिला देना है ना, मिल भी जाएगा बन भी जाएगा। लेकिन द्रव विरागी कोलाइड बनाने के लिए परिक्षिप्त परावस्था को थोड़ा सा वैद्युत अवघट साथ लेकर परिक्षेपण माध्यम में डालकर मिलाया जाता है और तब उसे अच्छे तरीके से हिलकोड़ कर है ना, शेकिंग करने के बाद हिलकोड़ लेने के बाद मिला लेने के बाद चला लेने के बाद द्रव विरागी कोलाइड भी बन जाता है। और ध्यान दीजिए द्रव विरागी कोलाइड बनाने की इसी विधि को क्या कहते हैं पेप्टीकरण विधि, क्या कहते हैं पेप्टीकरण। तो यानी आखिर ये पेप्टीकरण क्या है बच्चों, तो ये द्रव विरागी कोलाइड बनाने की ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत किसी ताजे बने हुए अवक्षेप को, अवक्षेप मतलब वही परिक्षिप्त परावस्था का काम करेगा है ना। तो ध्यान दीजिए पेप्टीकरण क्या है, तो यह द्रव विरागी कोलाइड बनाने की वैसी विधि है जिसके अंतर्गत किसी ताजे बने हुए अवक्षेप को, अवक्षेप मतलब अघुलनशील पदार्थ को है ना, ताजे बने हुए अवक्षेप को परिक्षेपण माध्यम में थोड़ी सी वैद्युत अवघट्य की मात्रा के साथ मिलाकर है ना उसे हिलाते हुए तैयार किया जाता है। तो कोलाइड बनाने की इसी विधि को पेप्टीकरण विधि कहते हैं। यानी पेप्टीकरण क्या है, तो ये द्रव विरागी कोलाइड बनाने की विधि है और ये वैसी विधि है जिसमें परिक्षिप्त परावस्था को यानी कि ताजे बने हुए अवक्षेप को थोड़ा सा वैद्युत अवघट्य के साथ लेते हुए परिक्षेपण माध्यम में हिलाते हुए मिलाते हुए तैयार किया जाता है। तो कोलाइड बनाने की इसी विधि को, इसी प्रक्रिया को पेप्टीकरण कहते हैं है ना। तो ये बच्चों उसी से मैच कर गया जैसा हमने द्रव रागी कोलाइड बनाने के बारे में सिखाया था कल भी और आज भी है ना, करना कुछ नहीं होता है परिक्षिप्त परावस्था को परिक्षेपण माध्यम में डालकर हिलगोड़ देते हैं। लेकिन यहां पर क्या बोल रहे हैं परिक्षिप्त परावस्था को परिक्षेपण माध्यम में डालकर हिलगोड़ने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा साथ में वैद्युत अवघट्य को भी डालना पड़ेगा है ना। जैसे सिल्वर क्लोराइड है ना, सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप है, इसे हम लोग अगर मान लीजिए परिक्षेपण माध्यम में डालकर हिलगोड़ेंगे तो नहीं घुल पा रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे थोड़ा सा HCl भी मिला देंगे है ना, यानी थोड़ा सा मात्रा में HCl भी ले लेंगे, तब जाके सिल्वर क्लोराइड और थोड़ा सा मात्रा में HCl वैद्युत अवघट्य के रूप में ले रहे हैं है ना। तो थोड़ा सा मात्रा में HCl को हमने ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिला दिया और तब जाकर के उसको हिलगोड़ेंगे तो अच्छी तरीके से वो मिल जाएगा और तब आपका कोलाइड प्राप्त हो जाएगा। और कोलाइड बनाने के इस विधि को पेप्टीकरण कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा पेप्टीकरण के दौरान वो थोड़ा सा मात्रा में जो वैद्युत अवघट्य लिया जाता है उसे पेप्टीकर्मक कहा जाता है, पेप्टाइजिंग एजेंट कहते हैं है ना। यानी पेप्टीकरण की प्रक्रिया के दौरान उस ताजे बने हुए अवक्षेप को परिक्षेपण माध्यम में डालते समय हिलगोड़ते समय थोड़ा सा मात्रा में हमने जो वैद्युत अवघट भी लिया है, जैसे अभी हमने सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप था उसका हम परिक्षेपण माध्यम में डालकर हिलकोड़ रहे थे तो नहीं मिल रहा था, अब मिलाने के लिए हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डाला हल्का सा HCl को, तो ये HCl जो वैद्युत अवघट लिया गया ना इसी को बच्चों क्या कहते हैं पेप्टीकर्मक कहते हैं। याद रखिएगा अच्छे तरीके से, यानी आपको ध्यान क्या रखना है कि किसी भी ताजे बने हुए अवक्षेप को थोड़ा सा वैद्युत अवघट्य के साथ मिक्स करते हुए मिलाते हुए है ना परिक्षेपण माध्यम में डालकर हिलाया जाता है तो इस तरह से द्रव विरागी कोलाइड बन जाता है। और द्रव विरागी कोलाइड बनाने की इस विधि को पेप्टीकरण विधि कहते हैं। और इस पेप्टीकरण विधि के दौरान जिस वैद्युत अवघट्य को उपयोग किया जाता है ना उसे पेप्टीकर्मक कहा जाता है, यानी एक तरह से वही वैद्युत अवघट्य ने उसको मिलवाने का काम किया, पेप्टीकरण करवाने का काम किया, इसलिए उसे बच्चों पेप्टीकर्मक कहते हैं है ना। तो ये भी आपका समाप्त हो गया, इसका कोई फिगर वगैरह तो था नहीं, ये तो मन में आपको समझना था कि हमने परिक्षिप्त परावस्था को क्या किया थोड़ा सा वैद्युत अवघट्य के साथ लेकर उसे परिक्षेपण माध्यम में डालकर अच्छे तरीके से हिलकोड़ दिए मिला दिए तो वो कोलाइड बन गया। कोलाइड बनाने की इस प्रक्रिया का नाम है पेप्टीकरण। और इस पेप्टीकरण की प्रक्रिया के दौरान हमने उस परिक्षिप्त परावस्था को
है ना, थोड़ा सा जो वैद्युत अपघट्य दिया था तो वो जो भी थोड़ा सा वैद्युत अपघट्य को साथ में लिया गया उस वैद्युत अपघट्य को ही पैप्टिकर्मक कहते हैं, है ना। तो इन पैप्टिकरण की प्रक्रिया के दौरान प्रयोग किए जाने वाले वैद्युत अपघट्य को ही पैप्टिकर्मक कहा जाता है, क्योंकि वही पैप्टिकरण की प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार होता है, क्योंकि उसी को मिलाने के बाद ना वो मिल गया और नहीं मिला रहे तो वो नहीं मिल पाएगा, है ना, क्योंकि द्रव विरागी कोलाइट आसानी से हिल घूर्णन नहीं मिलता। हाँ मिलेगा बनेगा, लेकिन कब, जब थोड़ा सा वैद्युत अपघट्य डालेंगे तब, है ना। और वो जो वैद्युत अपघट्य डाल रहे हैं उसी को पैप्टिकर्मक कहते हैं, है ना, और उस प्रक्रिया को पैप्टिकरण कहते हैं। बात समझ में आ गया होगा, खत्म हो गया। वैसे कोलाइट बनाने का इतना ही विधि नहीं है बाबू, और भी विधि है ना, जैसे अल्ट्रासोनिक डिस्पर्शन मेथड, है ना, जैसे आपका मैकेनिकल डिस्पर्शन मेथड, है ना, जैसे बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, है ना, या बाय चेंज इन फिजिकल स्टेट, ये सारी विधि और भी है, लेकिन आपको उतना विधि पढ़ना ही नहीं है, सिलेबस में ही नहीं है। आपको मेनली यही तीन विधि आपको पढ़ना था, एक ब्रेडीगार्ग विधि, एक पैप्टिकरण विधि, और एक जो कल भी पढ़ाए थे आज भी शुरू में पढ़ाया रासायनिक विधि, है ना। तो ये तीन विधि था आपको द्रव विरागी कोलाइट बनाने का विधि पढ़ना था, तीन विधि, है ना, रासायनिक विधि और क्या ब्रेडीगार्ग विधि और कौन सा पैप्टिकरण विधि। पैप्टिकरण विधि मैच कर रहा है इसी से, द्रव रागी कोलाइट बनाने का विधि से, है ना। हालांकि अंतर बस यही है कि इसमें डायरेक्टली परिक्षिप्त परावस्था और परिक्षेपण माध्यम को मिलाने से मिल जाता है और द्रव रागी कोलाइट बन जाता है, है ना। लेकिन द्रव विरागी कोलाइट बनाते समय ये जो पैप्टिकरण वाला विधि है इसमें थोड़ा सा पैप्टिकर्मक भी मिलाया जाता है, यानी वही वैद्युत अपघट्य भी मिलाया जाता है, तब जाके वो मिल पाता है और वो आपस में मिल करके कोलाइट बन पाता है, ठीक है ना बच्चों। तो ये कोलाइट बनाने का विधि समाप्त हो जाता है। अब आपको अगले क्लास में मैं कोलाइड का शुद्धिकरण का विधि बताऊंगा। आज आपका कोलाइड बनाने का विधि समाप्त हो गया, कल के क्लास में मैं आपको कोलाइड का शुद्धिकरण का विधि बताऊंगा, ठीक है बच्चों। तो आप लोग आज के क्लास में जो भी बताया गया उसे अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लेना, कॉपी में लिख लेना। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर लेना, जो भी बताया गया उसे आप अच्छे तरीके से लिख लेना। मिलते हैं कल के क्लास में, और टाइम की बात है तो कल से मैं पक्का टाइम पे ही स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है बाबू। गुड बाय, अगर समझ में आ गया था तो वीडियो को लाइक कर लेना।